फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीक की अगर बात करें तो लास्ट वीक में हमारे दो कॉल ट्रेड होके एग्जिट भी हो गए थे और करीबन तीन ट्रेड हमारे ओपन है, एक्टिवेट है, राइट। तो उसका परफॉर्मेंस जो भी है वो हम एंड में देखेंगे, वीडियो के आखिर में देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि अपकमिंग स्टॉक अगले वीक के लिए, जो मंडे से आपको जो ध्यान में रखना है वो कौन से स्टॉक है, उसमें कहाँ से एंट्री लेनी है और क्या उसके SL और TP रहेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो को स्किप मत करना ताकि कोई भी स्टॉक आपसे छूट ना जाए बीच में, राइट। और अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और हो सके उतने लोगों को शेयर करना ताकि और लोग भी इसका बेनिफिट ले पाए, राइट फ्रेंड। और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे जो भी अपडेटेड वीडियो रहेंगे उनको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे, राइट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं हम कि आज का जो हमारा पहला स्टॉक है वो IEX है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये डेली चार्ट के अंदर काफ़ी दिनों से ये एक रेंज के अंदर चल रहा है, करेक्ट। और इसने यहाँ से गैप डाउन किया था बड़ा और फिर काफ़ी नीचे जाके वापस से ये सस्टेन होके ऊपर आया है। सो अगर ये यहाँ पे फ्रेंड्स, ये अगर मान लीजिए कि यहाँ से अगर 133 का जो लेवल है तो सेफर साइड पे हम मान लेते हैं कि 134-135 का, अगर 135 का ये ब्रेकअप करता है और आगे ऊपर जाता है तो वहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग अपने को देखने को मिल सकती है। और वहाँ से हमें पहला टारगेट जो भी है वो आप ये मान के चलिए 145 का आ सकता है, करेक्ट। तो ये एक स्टॉक को आप नज़र रखिए, हो सकता है कल परसों में अगर आपको कुछ एंट्री मिले यहाँ पे ऊपर तो उसके बाद आप यहाँ पे पोजीशन बना के रखिए, करेक्ट। और उसके बाद का हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है नेशनल एल्यूमिनियम, करेक्ट। यहाँ पे फ्रेंड्स ऑलरेडी इसने जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक कर दिया है जो कि अभी सपोर्ट का काम करेगा। तो करंटली आप मार्केट खुलते ही इसको मंडे को अगर ये ऊपर ही खुलता है 98-99 के आसपास भी तो भी आप इसको एंट्री बना सकते हो, जिसमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस आप 95 का लेके चलिए क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, और उसमें आप एंट्री बना के रखिए जहाँ पे आपको पहला टारगेट आपको 105 से लेके 120 तक का आपको आ सकता है नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक, करेक्ट। उसके बाद का हमारा अगर थर्ड स्टॉक देखेंगे हम तो वो है टाटा टेली सर्विस TTML, करेक्ट। यहाँ पे भी फ्रेंड्स ये काफ़ी टाइम से अगर ये आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक किया है और यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो इसने 90 के ऊपर आप इसको बाई कर सकते हो, करेक्ट। तो अभी ये चल रहा है 91.60, जिसको आप मंडे को मार्केट खुलते ही ये अगर 90 जितना आपको डीपली मिल सकता है आप उसको बाई करने की कोशिश करिए और वहाँ पे आप 88 के आसपास का एक SL रख के इसको बाई कर सकते हो, करेक्ट। और जहाँ पे आपको पहला टारगेट 105 से लेके नेक्स्ट टारगेट आपको 140 तक का मिल सकता है एक शॉर्ट टर्म के अंदर, करेक्ट। तो ये आपका प्रॉपरली स्विंग ट्रेड रहेगा और लॉन्ग टर्म में आपको उससे भी ज़्यादा का बेनिफिट मिल सकता है, तो वो डिपेंड करेगा, उसमें हम आपको आगे अपडेट करते जाएंगे। और जो भी एंट्री एग्जिट का अगर कुछ अपडेट है या कुछ और स्टॉक भी हमारे ये अगर कुछ मिलते हैं जिसमें हम BTST या दो तीन दिन चार दिन की अगर पोजिशन बन सकती है तो वो हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट करते हैं। तो गाइज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो तो देखिए ही देखिए, साथ में जाके मेरी टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है उसको भी जाके ज्वाइन करिए ताकि टाइम टू टाइम वहाँ पे भी आपको कुछ और स्टॉक के, इसके अलावा भी कुछ स्टॉक के अपडेट आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे, करेक्ट। इसके बाद के हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है इंडस टावर। इंडस टावर के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने जो 180 के आसपास का जो हमारा बाइंग है वो लेवल हमने तोड़ दिया है इसने, तो वहाँ पे आप मंडे को मार्केट खुलते ही आप इसमें बाइंग की पोजीशन बना सकते हो जितना डीपली आपको मिले, और यहाँ पे आप एक 175 के आसपास का SL लेके चलिए। बट गाइज, हमेशा ध्यान रखिए, मैंने जो भी स्टॉक रेकमेंड किया है अगर मंडे को ये लेवल के नीचे खुलता है तो आपको बाइंग नहीं बनाना है। ये जो मैंने लेवल दिया है उसके आसपास या उसके ऊपर अगर खुलता है तो ही आपको इसके अंदर बाइंग बनानी है और पोजीशन इसको कैरी करनी है,
अदरवाइज़ ये अगर लेवल के नीचे खुलता है और नीचे जाता है तो इसमें कोई भी बाइंग नहीं बनानी है। फिर अगले दिन जब भी ये वापस से ऊपर ब्रेकआउट करके अगर ऊपर क्लोजिंग होता है उसके बाद आपको एंट्री लेनी है। करेक्ट। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो आप जल्दी से जाके कमेंट में कमेंट करिए ताकि मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है जोडिया क्लोथ। ये फ्रेंड्स हमने आगे भी ये स्टॉक दिया था जिसमें मैं अपडेट कर रहा हूँ। सिर्फ पहले जो हमने लिया था वहाँ पे 132 की एंट्री थी, करेक्ट, उसके ऊपर हमें बाय करना था, बट अभी इसको मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ और इसको हम करेंगे 125 के आसपास। 125 के आसपास की अगर आपको एंट्री मिल रही है इसके ऊपर की तो आप इसके अंदर बाइंग बनाना। यहाँ पे आपको पहला टारगेट 145 के आसपास का यहाँ पे आपको मिल सकता है, राइट। इसके बाद का जो भी रहेगा वो हम आगे अपडेट करेंगे, राइट फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको जो भी पहले वाला लेवल था उसको अपडेट करना है, करेक्ट। सो अभी हम चलते हैं हमारे पिछले वीक के जो भी परफॉर्मेंस रहे हैं उनके ऊपर, और कितने स्टॉक हमारे एक्टिव हुए और क्या हमारा परफॉर्मेंस रहा है उसके ऊपर। सो फ्रेंड्स, ये वीक का हम परफॉर्मेंस देख लेते हैं। अभी ये वीक के अंदर अगर बेसिकली हम देखेंगे ना तो जो हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस रहा है वो काफ़ी कम रहा है। हालांकि एंड रिजल्ट हमारा पॉजिटिव ही रहा है, करेक्ट। बट ऐसा क्यों हुआ, उसका रीज़न है कि जो हमारे एग्जिट कॉल हुए, एंट्री और एग्जिट, वो सिर्फ दो ही कॉल में प्रॉपर एंट्री और एग्जिट हो पाई है इसकी वजह से, जिसमें एक है -1.7% और दूसरा है 15% प्लस के अंदर। जो हमारा पराग मिल है वो 205 पे हमारी उसके ऊपर एंट्री थी और 201.55 क्लोजिंग बेसिस के ऊपर उसका एग्जिट हो गया। HSCL के अंदर 200 पे हमने रेकमेंड किया था और 220 230 का जो टारगेट दिया था उसके अंदर 230 का उसका टारगेट आ गया है। तो जहाँ पे हमें 15% का आप ये मान के चलिए कि ROI निकला है। उसके बाद की अगर बात करें तो रिको ऑटो जो पुराना है उसमें हम एक बार देख लेते हैं। रिको ऑटो में अभी तक एंट्री नहीं आई है। VDL में जो हमारा 287 का रेशियो था वो अभी 235 के आसपास चल रहा है, तो उसमें अभी तक हमारी एंट्री नहीं मिली है। यस बैंक जो कि अभी करीबन 1.5% के आसपास ये प्लस में चल रहा है, राइट, जो कि करंट है 17.35, तो पॉजिटिव चल रहा है, बट वो हमारा लॉन्ग टर्म बेसिस पे है। टाटा पावर 252 एंड 220 के आसपास अगर आपको मिले तो, जहाँ पे 252 के ऊपर इसका क्लोजिंग हुआ है और वहाँ से एंट्री मिली है, जो कि अभी 255 चल रहा है, जो कि आप मान सकते हो कि 1.5-2% के आसपास अभी इसमें भी हम प्लस में चल रहे हैं। IOB के अंदर अभी तक एंट्री नहीं मिली है। जोडियाक में हमने जो पहले 135 का था उसको 132 का जो लेवल था उसको 125 के लेवल पे ऊपर कर दिया है। MMTC के अंदर 38 पे एंट्री ली थी, फिर हमने कुछ पार्ट प्रॉफिट बुक किया था। उसके बाद अभी अगर मैं बोलूँ तो ये 43.9 पे चल रहा है। CUB की अगर मैं बात करूँ तो 124 के ऊपर हमने रेकमेंड किया था, जो कि अभी 125.6 चल रहा है, तो वहाँ पे भी करीबन करीबन हमारा 1.5% का प्रॉफिट चल रहा है। और ये ट्रेड जो अभी हमारे ओपन है वो टोटल ट्रेड अगर ओपन देखे तो 4 ट्रेड है, जिसमें दो जो हमने रेकमेंड किए थे यस बैंक एंड MMTC वो लॉन्ग टर्म के लिए किए थे, और बाकी जो है उसमें अगर अपना टारगेट आता है तो उसमें एंट्री एग्जिट कर लेंगे हम अकॉर्डिंगली। उसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो अशोक लेलन जो है वो 170 के ऊपर हमने बाय रेकमेंड किया था, जिसको अभी के आगे के लिए अभी हमें फिलहाल इग्नोर कर देना है, उस स्टॉक को यहाँ से निकाल देंगे। प्रकाश इंडस्ट्री जो हमने बोला था 125 के ऊपर आपको बाइंग बनानी है, वो अभी तक हमारा लेवल नहीं आया है, तो बाकी की पोजिशन हम कंटिन्यू करेंगे। जो भी अपडेट दिया है उसको हम पोजिशन को अपडेट करेंगे। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जैसे मैंने बताया जल्दी से जाके वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हो सके उतने लोगों को शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसका बेनिफिट ले पाए। थैंक यू सो मच गाइस।